और फरीदाबाद से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है पुलिस की ओर से, बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अवैध संपत्ति पर पीला पंजा चला है, तीन अपराधियों की अवैध संपत्ति बताई जा रही है, जिस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। भारी पुलिस बल मौजूद रहा, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, अवैध तरीके से जो मकान बनाए गए थे उनको डिमोलिश कर दिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात रहा और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यहां पर लंबे समय से शिकायतें भी मिल रही थी और उसके बाद अब यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अवैध संपत्ति पर पीला पंजा यह चला है, तीन अपराधियों की अवैध संपत्ति जिसको पूरी तरह से डिमोलिश करने का काम यहां पर किया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात रहा और पुलिस की मौजूदगी में ही प्रशासन अपना काम करता रहा। बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन और ये संपत्ति जो अवैध तरीके से यहां पर खड़ी की गई थी, अर्जित की गई थी, उसको पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। तो नशा तस्कर ये बताए जा रहे हैं जिनकी इन संपत्तियों पर यह पीला पंजा चला है, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, बड़ा एक्शन ये लिया गया है, पीला पंजा चला है नशा तस्करों की अवैध संपत्ति पर, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो अवैध तरीके से जो संपत्ति नशा तस्करी करके जो बनाते हैं उन पर पहले भी जो है वो जो है पुलिस प्रशासन का पीला पंजा चला है और आज भी जो है वो पीला पंजा साफ तौर पर देखने को मिला है फरीदाबाद के अंदर, जो कि अवैध तरीके से जो है वो नशा तस्करी करके जो संपत्ति अर्जित की जाती है उस पर जो है पुलिस प्रशासन फरीदाबाद के एसडीएम नगर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत राहुल कॉलोनी के रहने वाले हैं ये तीनों आरोपी, जिनमें से जो है जिन पर किसी के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज है, किसी के ऊपर 7 मुकदमे दर्ज है। तो इस तरीके के जो है तीनों आरोपियों पर की जो अवैध संपत्ति थी उस पर जो है आज पीला पंजा चला है। साफ तौर पर फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो है वो पहले भी साफ कर दिया था और आज भी साफ कर दिया है कि जो भी नशा तस्करी करके जो है संपत्ति अर्जित की जाएगी उस पर जो है वो पुलिस का जो है वो पीला पंजा चलेगा, साफ तौर पर आगे भी चलता रहेगा और जो है पहले भी चला है। जी मुकेश, 3 अपराधियों के बाद संपत्ति पर एक्शन लिया गया है, क्या और भी अपराधी की ऐसी जगहें कुछ चिन्हित की गई हैं प्रशासन की तरफ से? और वाकई जिस तरह से एक्शन लिया गया है ये नजीर बनेगा, एक खौफ पैदा होगा नशा तस्करों या फिर अपराधियों? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि लिस्ट जो है वो पुलिस के पास ऑलरेडी पहले से ही है, जो जिन भी लोगों के खिलाफ 3 से ज्यादा अधिक जो मामले दर्ज होंगे, 3 मामले दर्ज होंगे नशा तस्करी के, तो उनकी जो संपत्ति है उसका जो है वो अकादर पता लगाया जाता है और उसके बाद उसकी लिस्ट में जो है वो नाम डाल दिया जाता है कि उस पर जो है तोड़फोड़ कार्रवाई की जानी है और इसी के चलते जो है इन तीनों आरोपियों की जो है अवैध संपत्ति पर जो है तोड़फोड़ कार्रवाई की गई है, जिससे कहीं ना कहीं अवैध तरीके जो नशा तस्करी जो करते हैं लोग उन पर जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ रहे, उन्हें ये पता रहे कि अगर जो आप नशा तस्करी करके अगर जो कोई भी जो है संपत्ति अर्जित की तो उस पर जो है वो पीला पंजा जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस का चलेगा। तो ऐसे में नशा तस्करों में साफ तौर पर खौफ जो है वो फरीदाबाद के अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा है पुलिस का, क्योंकि पुलिस ने साफ कर दिया है जो नशा तस्करी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस जरूर करेगी। बिल्कुल मुकेश, लेकिन जब टीम यहाँ पर पहुंची कार्रवाई करने के लिए तो क्या टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि भारी पुलिस बल भी तैनात था? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब इस प्रकार कार्रवाई होती है तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं विरोध भी सामने आता है और ऐसा ही जो है वो नजारा आज भी देखने को मिला था, जहां पर एक महिला जो है वो साफ तौर पर पुलिस पर आरोप भी लगाती हुई नजर आई। उसमें ये कहा कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तोड़ दी गई है, जबकि वो नशा तस्करी में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, जबकि पुलिस के जो आला अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ उसी प्रॉपर्टी को तोड़ा है जो अवैध तरीके से नशा जो बेच करके जो है वो अर्जित की है, उस पर ही कार्रवाई की है और आगे भी इसी प्रकार कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं अमल में लाई जाएगी, चाहे कितना भी विरोध हो, परंतु पुलिस अपने लक्ष्य से बिल्कुल नहीं भटकेगी और लगातार जो है इस प्रकार कार्रवाई, ताकि ऐसे अवैध तरीके से जो नशा जो बेचने वाले जो लोग हैं उन पर जो है वो कहीं ना कहीं भय बना रहे हैं, जो है पुलिस का शिकंजा बना रहे। जी ठीक है, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।